मैं रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल एम फॉर टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग और टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन को और प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बना रहे हैं सीरीज के अकॉर्डिंग। तो कंटिन्यू करेंगे आज के सीरीज जो हमारी एपीएससी स्कूल के मिनी मॉक टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है, जहां पर हम 13 सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने 12 सीरीज कंटिन्यू कर चुकी हूँ। सो स्टार्ट कीजिए और स्टार्टिंग से अपनी लर्निंग को बेस्ट टू बेस्ट बनाइए, क्योंकि देखा जाए तो एपीएससी स्कूल के एग्जाम होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 19 एंड 20 अक्टूबर को हमारा एग्जाम है। सो लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग हम अपनी रिवीजन को प्रिपरेशन को इन सीरीज के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट जरूर करें, साथ ही शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक एंड रिस्पॉन्स मुझे मिलता रहे। सो स्टार्ट करेंगे आज की लर्निंग के अकॉर्डिंग आज के सीरीज को, सीरीज नंबर 13 को। सबसे पहले तो एक बिग अप्रिशिएशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सीरीज नंबर 12 में पूछे गए 3 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था एड्स की फुल फॉर्म बतानी थी यहाँ पर AIDS, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का आ चुका है। कमेंट सेक्शन में 60 से अबव कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सही आंसर दिया। ए से हमारा हो जाएगा एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी एंड एस से सिंड्रोम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन पुटअप हुआ था, इंग्लिश का क्वेश्चन था ये हमारा ईडियम से रिलेटेड, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब बताना था, तो यहाँ पर इसका मीनिंग था रिवेंज, यानी कि बदला लेना। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है बदला लेना। थर्ड था हमारा क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड था ये, एम पी बी एस की फुल फॉर्म बतानी थी, मेगा बाइट पर सेकेंड, बिल्कुल करेक्टली इन तीनों का आंसर मेरे सामने आ चुका है कमेंट सेक्शन में। सो कीप लर्निंग एंड इसी तरीके से अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड देते रहिए। और कुछ चीज़ें हैं अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, या कोई भी ऐसा कंटेंट है जिसे आप चाहते हैं कि पढ़ाया जाए तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन था और पुटअप किया था कई कैंडिडेट्स ने कि मैम करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, तो इस सीरीज को ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। रिविजन वहां पर आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे डेली बेसिस के अकॉर्डिंग और वीकली के अकॉर्डिंग, साथ ही सीटेट की तैयारी भी अनअकैडमी पर कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पर चल रही है। सो अपनी प्रिपरेशन को वहां पर भी कंटिन्यू करें। तो स्टार्ट करेंगे आज के सीरीज के अकॉर्डिंग, सीरीज नंबर 13 के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर मिसिंग नंबर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मार्क है इसे हमें फिल करना है। 5 को 125 बनाया है तो 3 को हम क्या बनाएं जिससे हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो 5 को 125 कैसे बनाया होगा, अगर मैं 5 का क्यूब करती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 125 के अकॉर्डिंग, और अगर मैं 3 का क्यूब करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा 27, 3 3 9, 9 3 27, तो क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो इट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों को लॉजिक लगाना है किसी भी सीरीज के अकॉर्डिंग और उसका जो सही आंसर है फाइंड कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर एक मिसिंग नंबर ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि किस तरीके से जो ऑप्शन है हमारा सही होगा। 5 7 4 1 4 0, तो क्या सीक्वेंस बनेगा इस क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो ये लॉजिक हमें देखना होगा, जो कंप्लीट हमारी सीरीज है, एक है हमारा ये कंप्लीट सीरीज है और एक ये, इन दोनों में क्या लॉजिक लगा है देखिए। अगर मैं इन चारों के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई का साइन लगाती हूँ तो हमारा जो इजीली है करेक्ट आंसर वो निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 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 इज इक्वल टू सॉरी यहाँ नहीं होगा यहाँ होगा, यानी कि ये इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा सही सीक्वेंस निकलेगा। इट मीन्स 3 5 15 15 4 60 हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ जिससे 96 का सीक्वेंस बनेगा, 4 4 16, तो 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, या अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो ये किस तरीके से आएगा। यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं सही आंसर डालती हूँ 6 ऑप्शन को, 6 4 24, 24 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इजीली हमारा 96 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप एवरी ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके देख सकते हो तो सही आंसर आप लोगों का आ जाएगा। 5 के अकॉर्डिंग देखिए, 5 7 35 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 140। तो लॉजिक आप लोगों को पता चल गया, मल्टीप्लाई का सीक्वेंस कंटिन्यू चला है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ऐसे मिसिंग टर्म्स में आप लोगों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिविजन ये चारों ही चीजें मिलेंगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर एक टर्म दे रखी है आप लोगों को 8, और 8 की पावर दे रखी है -1 / 3 = 2।
इक्वल टू किसके अकॉर्डिंग होगी, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बताना है सही आंसर। तो हम इस टर्म को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा, जब हम मैंने इसे रेसिप्रोकल या आप नॉर्मली फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 1/3। इट मीन्स जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उसकी जो पावर माइनस में होती है, नेगेटिव में होती है, वो क्या हो जाती है, प्लस में बढ़ जाती है। ठीक है, 1/8। अगर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करती हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा दिस वन 1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो सही आंसर निकलेगा वो 1/2 के अकॉर्डिंग निकलेगा। इट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को जब इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को बस कोशिश यही करनी है कि जितने से मतलब जो सबसे लोएस्ट टर्म है उसको लेकर आइए। जैसे यहाँ पर हमने इसकी लोएस्ट टर्म निकाली, इस लोएस्ट टर्म के अकॉर्डिंग हमारे सामने इजिली आंसर निकल गया। तो ऐसे ही एवरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पुट कर सकते हैं अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3। और डिविजिबल बाय यानी कि जो डिविजिबिलिटी रूल का पर्टिकुलर सीरीज है मैं लेकर आ चुकी हूँ, मैथ सीरीज में आप लोग देख सकते हैं, वहां पर मैंने 1 to 12 तक डिविजिबिलिटी रूल कंटिन्यू करे हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि 3 से कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 3 का रूल था कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स था 3 का रूल। तो यहाँ पर सम ऑफ करना है यानी कि सभी को एज अ सम करके देखेंगे। 8 और 2 को सम करती हूँ तो आ जाएगा 10, 9 और 6 को 15, 11, 8। तो इन तीनों में से जो भी 3 के टेबल में आएगा इट मीन्स वो नंबर हमारा 3 से इजिली डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आता है, 10 नहीं आता, 15 आता है, 11 नहीं आता, 8 नहीं आता। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 69, जो हमारा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से। तो आप लोग पहले सीरीज देखिए, वहां पर आप लोगों को सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आप लोगों को याद रखना है डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डूरन कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। जो डूरन कप है वो कौन से गेम से रिलेटेड है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या वॉलीबॉल। तो सही आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन यानी कि फुटबॉल से। क्योंकि अगर देखा जाए डूरन कप फुटबॉल मैच के अकॉर्डिंग इसका पूरा नाम एज अ मतलब कि कंटिन्यू होता है, तो ये भी याद रखेंगे। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में बताना है, सबसे पहले जो फुटबॉल मैच था, ठीक है, सबसे पहले जो फुटबॉल मैच था वो कौन से ईयर में हेल्ड हुआ था, ये बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, हु इज आर करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। हु इज आवर करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के अकॉर्डिंग बताना है। करंट यानी कि जो अभी प्रेजेंटली है, एस एम कृष्णा, ए के एंटनी, सुब्रमण्यम जयशंकर या पी चिदंबरम। तो सही आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज सी ऑप्शन यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर, जो हमारे करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, याद रखेंगे। और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे एस एम कृष्णा। एस एम कृष्णा है सीएम ऑफ कर्नाटका, सीएम ऑफ कर्नाटका है एस एम कृष्णा। ए के एंटनी, ए के एंटनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट याद रखेंगे। पी चिदम्बरम भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर सांसद है उसके एक मेंबर है, सदस्य हैं पार्लियामेंट के। तो इस तरीके से याद रखेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, सेकंड क्वेश्चन, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है। डिफेंस मिनिस्टर कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, यहां पर आप लोगों के सामने इंग्लिश का एक क्वेश्चन है जिसके अकॉर्डिंग बताना है, सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। सिमिलर यानी कि सेम मीनिंग या सिनोनिम्स कुछ भी कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द हिंदी में बोलते हैं। अप्रेज का बताना है सिनोनिम या सिमिलर मीनिंग। अप्रेज का मतलब पहले पता होना चाहिए, अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, नापना, मापना, मूल्यांकन करना, तो ये होता है हमारा अप्रेज। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग बनेगा वो बनेगा हमारा गेज यानी कि डी ऑप्शन। इस गेज का मतलब होता है मापना, मापना या मूल्यांकन करना, नापना, कुछ भी हो। कमेंट का मतलब होता है, कमेंट भी याद रखनी है आप लोगों को, प्रशंसा करना, कमेंट यानी कि प्रशंसा करना याद रखेंगे। रेवेल, रेवेल का मतलब होता है उलझ जाना, उलझ जाना।
कंफाउंड, कंफाउंड का मतलब होता है गलत साबित करना, गलत साबित करना। कंफाउंड का मतलब होता है गलत साबित करना। एक और वर्ड है हमारा कंफाउंड इट, कंफाउंड इट। इसका मतलब क्या होता है देखिए, हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, फ्रेंड सर्कल में यूज करते हैं वैसे, और इसका मतलब होता है भाड़ में जाओ। बहुत ही कॉमन है फ्रेंड्स सर्कल्स में, ज्यादातर हम इस वर्ड को यूज करते हैं, और मतलब अब जब बड़े हो जाते हैं तब नहीं करते हैं, वैसे बचपन में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंफाउंड इट का मतलब होता है भाड़ में जाओ, तो ये भी याद रखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कुछ चीजें घुमा फिरा कर भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग बताना है टीच की वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप लोगों ने देखी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अकॉर्डिंग, या जो हमारी पास्ट प्रेजेंट और पार्ट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग होती है, आईएनजी फॉर्म भी हमारी कभी कभार उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो वहां पर बताना है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल या बीते हुए कल के अकॉर्डिंग, कौन सी हम यहाँ पर वर्ब के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। टीच की बतानी है, टीज्ड, टीचर, टॉट या टॉट। तो सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन यानी कि टॉट। टीच की पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी, फॉर्म ऑफ वर्ब, वो होगी टॉट। टॉट फर्स्ट हमारी टीच होती है, सेकेंड हमारी टॉट होगी, और थर्ड भी हमारी टॉट होगी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन, व्हाई शुड अ टीचर इंसिस्ट द स्टूडेंट लर्न इन अ ग्रुप, क्यों या किस लिए कोई भी या किसी भी टीचर को बच्चों को ग्रुप में लर्न करने के लिए इंसिस्ट करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि यहां पर जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, बिकॉज लर्निंग इन अ ग्रुप विल टीच द स्टूडेंट द शेयर नॉलेज एंड आइडियाज, क्योंकि एक दूसरे के जानकारी, एक दूसरे की आइडियाज, विचार और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिलता है विद्यार्थियों को। तो बी, सॉरी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट ऑफ अ स्टूडेंट मेनली डिपेंड्स ऑन, इट मीन्स इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी छात्र का प्रदर्शन और आचरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है। तो मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है, तो ये होता है सी ऑप्शन यानी कि द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम के अकॉर्डिंग। क्लासरूम के अकॉर्डिंग उसका जो व्यवहार है और जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो हमें शो होती है, तो उसी से पता चलता है कि वो कितना एक्टिव है अपने और कितना डेवलप कर रहा है, या कौन कौन सी उसके अंदर कमियां हैं जिन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है एज अ टीचर के अकॉर्डिंग। तो ये हमें पता चलता है उसके क्लासरूम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा पर्टिकुलर एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कोर्स होता है, और इसके अकॉर्डिंग बताना है कि फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि किसने इसका इसको प्रस्तुत किया है। तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन यानी कि डेनिस रिचे, डेनिस रिचे जो फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एसएमपीएस की फुल फॉर्म बतानी है, एसएमपीएस की फुल फॉर्म। तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई जो एसएमपीएस की फुल फॉर्म है। एक क्वेश्चन मेरे सामने बार बार आ रहा है कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, तो उसका आंसर ऑलरेडी मैं वैसे ग्रुप में दे चुकी हूँ और अभी रिसेंटली दिया है। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जितने भी थे मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, मतलब 2013 का था, 14 का था और 16 का था, क्योंकि ये एग्जाम होता है हमारा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो ऑनलाइन पेपर जो भी थे मैंने अवेलेबल करवा दिए, जो भी ऑफिशियल साइट पर मुझे मिले या मेरे पास जितने भी अवेलेबल है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट टीजीटी और पीजीटी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट कंसर्न है पार्ट बी को, उसको एज अ डिमांडिंग के तौर पर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसका आंसर यही है कि आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से तो किसी भी साइट पर नहीं है क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल। इवन अगर आप लोग वहां से बाय कर रहे हैं जो ऑफिशियल साइट है एपीएस की, वहां से भी अगर बाय करेंगे तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे, सिलेक्टेड मिलेंगे और वो भी जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुकी हूँ वही मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सेल्फ लर्निंग कंटिन्यू करनी है इन सीरीज के अकॉर्डिंग, सेल्फ लर्निंग, और साथ ही कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लीजिए जो एपीएस की बेस्ट बुक हो, ठीक है, और साथ ही आप लोगों को कंटिन्यू करना है, सेल्फ लर्निंग हो गया, बुक हो गया, और जो सीरीज में कंटिन्यू कर रही हूँ उनकी प्रिपरेशन, और साथ ही
जो सिलेबस वाइज कंटेंट है उनको भी आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। ये चारों चीज़ें आप लोग सेल्फ कंटिन्यू करेंगे तो एटलीस्ट आप लोग एग्जाम तक इतने मतलब कि प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन पेपर की जरूरत क्यों पड़ती है, बस हमें पैटर्न देखना होता है और एग्जाम का वे देखना होता है। तो ऑलरेडी मैं 4 से 5 क्वेश्चन पेपर शेयर कर चुकी हूँ, तो वहां से आप लोगों को पैटर्न और वे तो पता चल ही गया होगा। अब हमें करंट जो टॉपिक्स हैं, जो हमारा सिलेबस है, उसमें से रिविजन करना है। तो आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करिए, जो चीज़ मैंने बताई है फॉलो कीजिए, और अगर कुछ चीज़ें हैं भूल गई हूँ मैं या मैंने शेयर नहीं किया तो उन्हें भी आप लोग पुटअप कर सकते हैं मुझसे, या लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, उनसे जुड़ के कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।